अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट घाटे में चल रही है। बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर हो रहे नुकसान की वजह से कंपनी अपनी टीम को छोटा कर रही है, यहाँ तक कि अपना पूरा ऑफिस तक बेच दिया। बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वाशु भगनानी ने पूजा एंटरटेनमेंट के ऑफिस की 7 मंजिला बिल्डिंग किसी बिल्डर को बेच दी है। अब उस बिल्डिंग को गिराकर वहां रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। साथ ही वाशु ने वहां काम करने वाले 80% लोगों को निकाल दिया है और जुहू में 2 बेडरूम के फ्लैट को कंपनी का नया ऑफिस बनाया गया है। लोगों को निकालने की प्रक्रिया जनवरी 2024 में ही शुरू हुई थी। दरअसल जगन शक्ति बीते 2 साल से टाइगर श्रॉफ के साथ एक फिल्म शुरू करना चाहते थे, लेकिन जनवरी में आकर इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद अगला बड़ा झटका अप्रैल 2024 में लगा। अक्षय और टाइगर की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। कंपनी को फिल्म की वजह से 125 से 150 करोड़ रुपए के बीच का नुकसान हुआ। सूत्रों की माने तो इस नुकसान की वजह से वाशु भगनानी पर करीब 250 करोड़ रुपए का कर्ज था, उसे चुकाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए। बाकी मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस सब की शुरुआत बेल बॉटम से हुई थी। वो कोविड पेंडेमिक में रिलीज होने वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी। फिल्म बुरी तरह पिटी, उससे अगली फिल्म मिशन रानीगंज का भी यही हाल हुआ। कंपनी को तब भी झटका लगा जब बड़े स्केल की फिल्म गणपत नहीं चली और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स ने भी उस फिल्म को लेने से मना कर दिया। अब तक कंपनी की हालत खराब होती जा रही है, उसके बाद बड़े मियां छोटे मियां ने चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया। कंपनी को उम्मीद थी कि अक्षय और टाइगर की फिल्म नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी, पर उसके बुरी तरह फ्लॉप होने से हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि नुकसान के बावजूद पूजा एंटरटेनमेंट अपना काम नहीं रोक रही है। कुछ महीनों पहले उन्होंने शाहिद कपूर की फिल्म अश्वत्थामा अनाउंस की थी, वो उसे बना रहे हैं। साथ ही नई फिल्मों को लेकर उन लोगों की एक्टर्स और डायरेक्टर से बातचीत भी चल रही है। बीते कुछ दिनों में ये पहला मौका नहीं जब पूजा एंटरटेनमेंट मुसीबत में फंसा हो। कंपनी के कुछ क्रू मेंबर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा था उनकी सैलरी क्लियर नहीं की गई। रुचिता कामले नाम की क्रू मेंबर ने लिखा कि अपना पैसा लेने के लिए ही कंपनी उन्हें दौड़ा रही है। उनसे वादा किया गया कि 40 से 60 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बता दें कि पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ये जानकारी जुटाई है मेरे साथी यमन ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा।